तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज भी हम कुछ माइनक्राफ्ट के मिथ्स ट्राई करने वाले हैं। पहले ये वाला मिथ यहाँ से हटा देते हैं। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ओके, अभी भी मैंने बहुत कम मिथ ट्राई किए और तुम लोग के इतने सारे मिथ्स बाकी है। और तुम लोगों ने इस सीरीज का बहुत सही नाम सजेस्ट किया यार। मैंने देखा मिथक्राफ्ट, मुझे बहुत पसंद आया। तो आज ही मिथक्राफ्ट सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है। तो फटाफट से अभी हम पहले मिथ पर आते हैं। ये मिथ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि वन ब्लॉक डिग करो, देन पुट वाटर एंड फिशिंग करो उस पे, तो आपको फिश मिलेगी। मतलब कि हमें सिर्फ वन ब्लॉक डिग करना है, उसमें पानी डाल देना है, अगर हम उसमें फिशिंग करेंगे तो भी हमें फिश मिलेगी। ये कैसे पॉसिबल है यार? मैं तो हमेशा से सोचता था फिशिंग करने के लिए रिवर पे जाना पड़ता है, इसलिए तो मैंने आज तक कभी फिशिंग की नहीं। लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट टाइम फिशिंग की थी, जो तुम लोगों ने देखा था। तो दोस्तों एंड दोस्ताइन, हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट गेम माइनक्राफ्ट में। और यहाँ पर हमें एक विलेज भी मिल गया है। चलो अच्छी बात है, विलेजर से रिलेटेड भी कोई ना कोई हैक हम देख ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है कि पानी ही पानी है। ये देखो यहाँ पर ओशन भी है बड़ा सा, तो हम यहाँ पे फिशिंग वाला आराम से ट्राई कर सकते हैं। मतलब इस हैक में कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर डिग कर दें ऐसे और इसके अंदर पानी डाल दे, और अगर इसके अंदर हम फिशिंग करें फिशिंग रॉड लेकर, मतलब अब हम फिशिंग करेंगे तो हमें फिश मिलेगा। ये तो नामुमकिन लग रहा है क्योंकि रिवर वहाँ है, यहाँ कहाँ से फिश आ जाएगा, चारों तरफ से ब्लॉक्ड है ये। देखते हैं, ज्यादा टाइम वेट नहीं करेंगे क्योंकि इसे साउंड तो आया लेकिन कुछ मिला नहीं। ठीक है, साउंड आता होगा लेकिन आई एम प्रिटी श्योर हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना मिलेगा यार। तो फिर से साउंड है। ये हो भी कैसे सकता है? ये क्या है? ये कैसे पॉसिबल है? इसके अंदर भी मिल जाएगा? तब तो हम वाटर बकेट ले लेके घूमते, ऐसे ही फिश निकाल लेना चाहिए हमें तो बार बार। ये माइनक्राफ्ट का क्या लॉजिक है यार? तुम्हें नहीं लगता हमें माइनक्राफ्ट के लॉजिक पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए? अगर हाँ तो पहले तुम लोग सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है यार, क्यों इतना कंजूसी करते हो? इतने लोग वीडियो देखते हो, तुम्हें पता है यूट्यूब ने बोला है कि मुझे सिर्फ एक आदमी ने सब्सक्राइब कर रखा है। चेक करो, वो तुम हो गया। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसमें से मिलेगा, आई एम प्रीटी श्योर। ये देखो हमारे पास विजिटर्स भी आ गए, ये लोग भी देखने आए इस अजूबे को। अभी देखना यहाँ पे फिश निकलेगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। ठीक है भाई, नॉट इंटरेस्टेड तो भाग। हमें दोबारा से रॉ कोड मिला है, बढ़िया। अच्छा, एक सजेशन चाहिए। मैं लाइव स्ट्रीम करने का सोच रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं या फिर कुछ साथ में करते हैं। मतलब मुझे तुम्हारे आइडिया शेयर करो कि हमें लाइव स्ट्रीम में क्या क्या करना चाहिए, हम क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा कुछ आइडियाज बताओ कि हम डेली कर पाए, मजा आ जाए। तो प्लीज अपने आइडियाज नीचे कमेंट में शेयर करो। और ये मिथ तो बिल्कुल कंफर्मड है, कभी मिथ नंबर 2 देखते हैं। ये नेक्स्ट मिथ भी मुझे बहुत अनरियलिस्टिक लग रही है, लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो शायद वो भी पॉसिबल हो जाए। इस बार मैंने बहुत अनरियलिस्टिक मिथ्स को चुना है, देखते हैं कि वो हो पाता है कि नहीं। यही तो हमारा मकसद है। तो ये वाला है कि अगर तुम किसी ज़ॉम्बी को आर्मर देते हो तो वो उस आर्मर को पहन लेता है। देखो हम लोगों ने आर्मर वाला ज़ॉम्बी देखा है, लेकिन वो डायरेक्ट आर्मर में आता है। लेकिन यहाँ कह रहे कि अगर हम उसे आर्मर देंगे तो वो ले लेगा। देखते हैं भाई, ये सारी चीजें तुम लोग के दिमाग में आती कहाँ से है? क्या गजब गजब के मिथ लाते हो यार, मानना पड़ेगा। अबे हमारा रात भी होने वाला है, लेकिन फिर भी हम एक जाम्बी को स्पान कर लेते हैं। हियर कम्स द जाम्बी और हम लेंगे आर्मर। अब कौन सा आर्मर वो स्पेसिफिकली नहीं बोला गया था, हम सारे ही ले लेते हैं। अब हमें रात होने का वेट करना है। और ये हो गई है रात, एक ज़ॉम्बी को हम यहाँ पर पहले ही बुला लेते हैं। अभी हम क्रिएटिव में इसलिए कुछ कर नहीं रहा, आ गए सर्वाइवल में और ये हमारे पीछे पड़ गया है। आजा मेरे लाल, आजा, ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। पहले इसे हम लेदर की चेस्ट प्लेट देते हैं। उठा, अबे उठा ले, यहाँ पड़ा है। नहीं उठा रहा, आई गेस हम, ये हमारे पीछे पड़ गया इसलिए इसका पूरा ध्यान हमारे ऊपर है। काम करते हैं, हम क्रिएटिव में आ जाते हैं। फिर ये ले, क्रिएटिव में आ गए। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मुझे सुनना ही नहीं है। नहीं उठाया है तो गया। ये नहीं उठाएगा, देखते हैं। लेदर वाला तो काम नहीं किया। ये ले चेन मेल का, चेन मेल भी तो पहनता ही है ज़ॉम्बीज। उठा ले, उठा भाई, ये क्या है? ऐसे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ये आयरन का, अरे भाई साहब, भाई साहब वहाँ पे है पैंट। भाई साहब ये लीजिए, काम करिए, सबसे महंगा लीजिए आप पहले नेदराइट का। अगर आप इसको नहीं उठाते हैं तब कैसे चलेगा? ये देखो यहाँ, अरे उठा लो साहब, क्या अजीब आदमी है यार। रुको सर्वाइवल में आता हूँ। वो यहाँ तो दो दो गेस्ट आ गए, लेकिन इनमें से किसी ने भी नहीं उठाया। ये देखो यहाँ पे फ्री का गिफ्ट पड़ा है भाई, नेदराइट का पड़ा है। देखो दोनों चल के भी गए लेकिन नहीं उठाया। इसका मतलब ये मिथ फेल होता है भाई, इन्होंने कुछ भी नहीं उठाया। मेरा सारा सामान यही है, मेरी आयरन की चड्डी, ये रही मेरी आयरन की चड्डी। तो भाई ये मिथ तो फेल होता है। अभी हम नेक्स्ट मिथ देखते हैं। हमारा मैक्सिमम मिथ 1.17 से रिलेटेड ही है, क्योंकि नए अपडेट्स में पता नहीं क्या क्या चीज हुआ है। तो ये अपडेट है कि अगर आप पाउडर स्नो बकेट के अंदर अगर आप लेदर बूट्स पहनो तो आप फ्रीज नहीं होगे। वाओ, देखो अगर किसी को पता ही नहीं है पहले से ही कि अगर हम पाउडर स्नो बकेट को नीचे गिराते हैं और उसके बीच में जाते हैं ना, तो हम फ्रीज होने लगते हैं। दिखाऊं तुम लोग को? ये बहुत मस्त लगा था मुझे। यहाँ पर ये क्या हो रहा है यार? What the hell is this? ठीक है, लगता है मैंने इन्हें डिस्टर्ब कर दिया।
हम अपना हैक देखते हैं। वो डेजर्ट में अगर हम पाउडर स्नो डाले तो क्या होगा? ये चीज तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। काम करता है यहाँ भी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है चलो अभी हम नॉर्मल वर्ल्ड में देखते हैं, नहीं तो तुम लोग बोला कि आपने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। पहले नॉर्मल वर्ल्ड में देखते हैं यहाँ पे। तो अभी देखना तुम लोग, अगर हम लोग पाउडर स्नो बकेट को यहाँ ऐसे रख देते हैं और इसके बीच में चले जाते हैं इस तरीके से, तो स्क्रीन के साइड में देखो तुम लोग क्या मस्त है ना, ये फ्रीज हो रहा है और देखो अपना कैरेक्टर कैसे कांप रहा है। आई गेस ये मैंने अपने फैक्ट्स वाले वीडियो में बताया था ना। लेकिन मिथ ये है कि अगर हम इसी पोजीशन में लेदर की बूट्स अपने पैरों में पहन ले तभी ऐसे कांपेगा नहीं। अभी देखना मैं सर्वाइवल में आऊंगा तो मुझे कितना डैमेज मिलेगा। ये देखो मेरा हर्ट पूरा नीला हो चुका है यार, पूरा फ्रीज हो गया हूं मैं। लेकिन हमें ट्राई करना है बूट्स। एक काम करते हैं, हम सारे ही बूट्स ले लेते हैं सिर्फ लेदर ही की। पहले महंगे से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पहनेंगे नेदराइट के शूज और ये पहन लेते हैं। और अब चलते हैं बर्फ के अंदर। और यार ये तो हम फ्रीज होने लग गए भाई, बहुत बुरी तरीके से फ्रीज हो रहे हैं। आई डोंट थिंक ये काम करेगा। ओह मुझे डैमेज मिलता है उससे पहले मैं निकल गया। मिलता है डैमेज मिलता है, बहुत गंदा वाला मिलता है। तो अभी हम डायमंड का पहन लेते हैं। सेम जैसे ही डैमेज मिलेगा मैं चेंज कर दूंगा। डैमेज मिला। अब गोल्ड का, ओके इससे भी मिला। आयरन का, आयरन से भी मिला। चेन मेल का, ओह माय गॉड सबसे डैमेज मिल रहा है। चलो ठीक है अभी सिर्फ लेदर का बाकी रह गया है। अंदर जाते हैं और जब ये ठंड से कांपेगा तब हम ये लेदर वाला पहनेंगे। इट्स टाइम, अभी हमें लेदर का पहन के देखना है। ओह ये काम किया भाई मिथ, वाओ। ये देखो हम लोगों ने लेदर का बूट्स पहना है, हम आइस के अंदर में और इसे कुछ नहीं हो रहा। ये माइनक्राफ्ट वालों ने मस्त किया। लेदर का बूट सबसे अंडररेटेड है, कोई भी लेदर का बूट्स यूज नहीं करता है। इसको थोड़ा सा नाम देने के लिए इन्होंने ये चीज किया है। बढ़िया है भाई, मुझे अच्छा लगा। अभी इसे हम तोड़ देते हैं। ओके तोड़ने से नहीं मिलता ना, ये हमें बकेट पे उठाने से ही मिलेगा। चलो बढ़िया है ये मिथ तो कंफर्म। तो चलो आज का एक लास्ट हैक देख लेते हैं जो काफी यूनिक है यार। इफ यू गो टू कंट्रोल पैनल एंड अनइंस्टॉल माइनक्राफ्ट एंड रिमूव ऑल बैकअप्स एंड इंस्टॉलर देन यू कांट प्ले माइनक्राफ्ट। हैं ट्राई करते हैं। तो ये गए हम कंट्रोल पैनल में, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, माइनक्राफ्ट लॉन्चर, ये रहा अनइंस्टॉल। Yes, अनइंस्टॉल। ओके यहाँ से माइनक्राफ्ट रिमूव हो गया है। और यहाँ प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में जाके हम माइनक्राफ्ट बैकअप को परमानेंटली डिलीट कर दें। ओह शिट, पापा।